आज रंग है ए माया रंग है रे आज रंग है। बचपन से म्यूजिक पोएट्री डांस और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाली जोया का एक और इंटरेस्ट कैलीग्राफी रहा है। उन्होंने पोएट्री और कैलीग्राफी को मिलाकर कागज पर एक ऐसा जहान रचना शुरू कर दिया जिसमें कदम कदम पर नए नए मुकाम आते चले जाते हैं और दिल गालिब हाफिज इकबाल की गलियों से गुजरता हुआ कहीं दूर शेक्सपियर शैली और एमिली जैसे न जाने कितने शोहरा के तसव्वुर में डूब जाता है। जोया का कलम जितने कमाल से रंगों की दुनिया में जादू बिखेर सकता है वो उतनी ही महारत जोड़ों के दर्द से परेशान मरीजों को राहत दिलाने में भी रखता है। डॉक्टर जोया जैदी अलीगढ़ की एक मशहूर रिमेटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर जैदी को उनकी खिदमात के लिए कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्होंने मॉस्को से MD ऑनर्स की डिग्री ली और उसके बाद दिल्ली एम्स से रिमेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हासिल किया। वो अलीगढ़ के बहुत मशहूर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर इंग्लिश ओरिएंटल कॉलेज के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। उनकी माँ मोहतरमा साजिदा जैदी, वालिद जनाब कैसर हुसैन जैदी और आंट जाहिदा जैदी और साबिर जैदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म भी रहे और उन्होंने वहाँ पढ़ाया भी। जोया गजल लिखती भी हैं और गुनगुनाती भी। उन्हें जानवरों से खासा लगाव है। उन्होंने नेचर को अपने कैमरे में बड़ी खूबसूरती से कैद किया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर जोया जैदी से। हाजरीन, जीवन के रंग असीम आशा के संग में आप सबका मैं खुश आमदीद करता हूँ और आज मेरे साथ में हैं अलीगढ़ की डॉक्टर जोया जैदी, जो कि एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं अलीगढ़ में, और इसके अलावा उनका शौक़ जो कैलीग्राफी का है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। आप अपनी इस कैलीग्राफी के बारे में हमें बताएंगी कि कैसे कैसे आपने इसे अपनी लाइफ में उतारा और कैसे आप इससे एक फ़न एंजॉयमेंट या अपना एक सेटिस्फेक्शन फ़ील करती हैं। तो कैलीग्राफी तो एक्चुअली जो है वो मेरे आर्ट का शाखसाना है। मैं अलीगढ़ में पैदा हुई और अलीगढ़ का जैसा कि आप जानते हैं कल्चर है, तो यहाँ पे उर्दू और शेर व शायरी का बहुत बोलबाला है। मेरे ख़ानदान में भी जो है मैं शायद पांचवी या छठी खातून हूँ जिसमें जो शायरी करती हैं। हम मौलाना हाली के औलाद हैं और मेरी नानी शायरी करती थी जो कि उनकी पर पोती थी, और मेरे अम्मी और खाला शायरी करती थी, साहिदा जैदी। बचपन से मुझे आर्ट का शौक़ था तो इसलिए मैंने बल्कि आर्ट स्कूल भी ज्वाइन किया। यहाँ पे एक आर्ट क्लब हुआ करता था जिसमें एक बड़े अच्छे वो थे, उसके इंचार्ज थे अजमत साहब, वो सिखाया करते। तो मैं 10 साल की उम्र में जाती थी वो आर्ट सीखने के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे इस मामले में बहुत होते हैं। मैं डांस भी सिखाया, सिंगिंग भी सिखाई, आर्ट भी सिखाया, जिसको जो शौक़ था उसको उन लोगों ने बहुत जो है वो उसे बढ़ावा दिया। तो मैं अपनी साइकिल पे जाती थी, वो साइकिल चला नहीं पाती थी तो छोड़ देती थी इसको पैडल, और इस तरह वहाँ जाती थी और सीखती थी। लेकिन ये कि फिर मैं मेडिसिन में जब आ गई, पढ़ाई में भी अच्छी थी मैं और फर्स्ट आ जाती थी क्लास में, तो इसलिए जब मैं मेडिसिन मेरा वो हो गया तो ये कुछ अरसे के लिए मेरी सारा जो है ये ड्राइंग आर्ट वगैरह ख़त्म हो गया, लेकिन सिंगिंग और डांसिंग चलती रही क्योंकि वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स में मैं हिस्सा लेती थी। जब मैं वापस आई तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि भाई मुझे अपने आर्ट को फिर से करना चाहिए। आप मेडिसिन की स्टडी करने गई? मॉस्को गई थी, वहाँ से मैंने अपनी एंटायर मेडिकल एजुकेशन वहीं पर की। हाँ, तो मॉस्को से आने के बाद मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रूमेटोलॉजी में वो स्पेशलाइज किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने प्रैक्टिस शुरू की। मैंने तो मैंने ये महसूस किया कि मुझे कुछ अपनी आर्ट को रिवाइव करना चाहिए, ये मेरा शौक़ बचपन से था। तो अब वो आई रियलाइज कि एक बड़ा कैनवस बनाने के लिए आई नीड अ स्टूडियो, आई नीड अ प्लेस, आई नीड टू बी देयर, और आई हैव टू हैव समथिंग विच इज़ मैनेजेबल इन द सेंस कि मुझे एक ख़ास जगह बैठ के करने की या खड़े होने की करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें इत्तेफाक से ये हुआ कि मेरी बेटी जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ से मेरे लिए कैलीग्राफी सेट ले आई, तो मैं वो कैलीग्राफी मैंने उससे प्रैक्टिस करनी शुरू की। बात है?
दिस इज आई थिंक समवेयर इन 98 हाँ सर आई स्टार्टेड कैलीग्राफी क्वाइट लेट तो मैं इंग्लिश में करती थी तो शुरू में तो बहुत कीड़े मकोड़े बनते थे वो मेरे पास है नहीं उन सब फेंक दिए तो और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फॉन्ट्स एक होता है ब्लैक लेटर गोथिक एक होता है इटैलिक एक होता है रोमन एक होता है अनसियल ये सारे मैंने जो थे वो किताबें पढ़ पढ़ के अपने सीखे फिर मैंने कहा कि भाई उर्दू मेरी ज़बान है एंड आई रियलाइज कि उर्दू के अंदर जो है वो फ्लेक्सीबिलिटी बहुत है मसलन अब देखिए जैसे ये साकी है अब ये साकी जो है इसमें का ये ई जो है यहाँ तक आ सकता है जी अब ये आपने हमने साकी लिखा जी साकी लिखा और इसके अंदर ये देखिए ये ई यहाँ तक आ गया और इसके अंदर हमने जो है दूसरे हरूफ जोड़ दिए तो ये साकी बजलवा दुश्मन ईमानो आ गई ये शेर है पूरा दुश्मन ईमानो आ गई दुश्मन ये इस तरह से ताकि दुश्मन ईमानो आ गई और मुतरिब और ये मुतरिब बनकमा पूरा सेट है हाँ रह जने तमकीन होश है तो साकी जो है वो गा के जो है वो हमारे ईमान और आगही को ललकारता है और जो मुतरिब है जो साज बजाता है वो मेरा हमारे तमकीन और होश उड़ा लेता है तो ये वालिद की वो है तो बस मतलब आप ये मतलब मैंने एक शेर जो है इसको चार तख्तियों में किया है तो आप अलग अलग मतलब एक शेर को अलग अलग तख्तियों में कर देती हूँ एक में भी हो जाता है लेकिन डिपेंड करता है कितना बड़ा वो उसके मिसरे तो इसमें आपने अलग अलग कलर थीम क्यों लिया है क्योंकि साकी वो जलवा दुश्मन ही मानो आ गई वो जलवा है उसका उसका जलवा पीले रंग का है और ये दुश्मन है दुश्मन और ईमान जो है वो ग्रीन कलर का है और दुश्मन जो है वो है और मुतरिब बनगमा नगमा जो है खूबसूरत फ्लोइंग कलर्स का है और रहजने तमकीन होश अब ये कि आतिश परस कहते हैं अहले जहां मुझे सरगर्म नाला हाय शरबा देकर अब ये देखिए सरगर्म नाला हाय अब सरगर्म नाला हाय शरबा देकर मतलब ये कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं आतिश परस्त हूँ यानी मैं आग की पूजा करता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ वो अब मेरे नालों में से जो चिंगारियाँ निकलती हैं वो जो हैं वो शोले बनती हैं तो इसलिए सर गर्मी नाला ये एक ही में आ गया तो ये पीला आग का रंग है तो इसमें आपने ये इंग्लिश में क्या इसका एक ट्रांसलेशन भी रखा है मैं इसमें ट्रांसलेशन भी साथ साथ कर देती हूँ ताकि आम लोग जो हैं वो समझ सके अब जैसे ये है कि क्यों जल गया न ताब रुखे यार देख कर अब इसमें देखिए ताब है रुख यार की ताब है तो उसमें ऐसे कलर्स हैं जैसे कि चेहरे पे ताबनाक चेहरा होता है ताकत दीदार देखकर अब इसमें ताकत क्यों जल गया ना ताब रुख यार देखकर जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर अपनी ताकत अपनी दीदार की देखने की उससे मैं जलता हूँ क्योंकि मैं क्यों नहीं जला अच्छा ये किसी ने मुझसे कहा था मेरे किसी दोस्त ने कि इसको आप स्क्वायर में लिखिए तो मैंने लिख तो लिया फिर वो ले नहीं गए तो उसमें यह है कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा मेरे तक कत्ल के बाद उसने जफा से बेवफाई से तोबा की हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना तो अब इसमें यहाँ कत्ल के बाद उससे की अब पशेमा ये जो है इसकी तकरार है तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला है पश्चिमा का पश्चिमा आपने बनाया हाँ अच्छा और इसमें जाहिर है कि ये वाले कलर्स इस्तेमाल किए हैं बिकॉज दे गो वेल विद द शेर तो मफहूम जो है वो इससे होता है इसी तरह से ये सब गालिब तकरार को कैसे जी 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 अब ये गालिब का है ये दूसरा लीजिएगा ये वाला ये अब ये है जैसे इसको पकड़ लीजिए अब ये देखिए ये है कि रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता जिसे गम समझ रहे हो वो अगर शरार होता तो रगे संग से टपकता लहू और गम शरार होता तो इसमें पूरा शेर नहीं है तो वो हमने यहाँ लिख दिया है अच्छा। तो ये मैं इसमें अपने जो फेवरेट शेर्स होते हैं वो अशार होते हैं उनको लेती हूँ कि अगर आप तुम्हारे उसके जिसको तुम अपना गम समझते हो अगर वो वाकई उसके अंदर इतना दम होता है इतनी गर्मी होती कि वो शोला बन जाता और शोला होता तो रगे संग से टपकता तब तो फिर पत्थर को भी चीर के दो खून निकलता लेकिन ऐसा नहीं
ये है। अच्छा, अब इंग्लिश की कैलीग्राफी जो है वो मैंने शुरू उससे किया था, समवेयर इन 98 आई स्टार्टेड दैट। सो आई वाज ट्राइंग टू प्रैक्टिस मेनली, तो मेरी इतनी अच्छी वो थी नहीं राइटिंग, तो मैं उसको कंपनसेट करती थी आर्ट से। तो अब ये है कि ये है, नॉट फ्रॉम द स्टार्स डू आई माई जजमेंट प्लक। तो इसमें मैंने जो है मतलब स्टार्स से है, मैं स्टार्स से अपनी जजमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन स्टार्स जो हैं जिनका ये जो जजमेंट के लिए वो होते हैं, ये स्कॉर्पियो है, ये है, तो इसका ये मैंने पूरा किया है और यहाँ पर ये बनाई है इसकी बॉर्डर। हाँ, और बॉर्डर ये जो होता है इसको कहते हैं वर्सल। वर्सल दैट इज़ द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट जितने हैं उनके अंदर ये होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑफ वट एवर यू आर राइटिंग ऑफ द पेज। अच्छा, फिर इसी तरह से ये है, ये टी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये मैंने इधर फूल पत्ते वगैरह बनाए, बिकॉज इसके अंदर जो है वो वायलेट्स की और फूलों की फूलों का जिक्र है। हाँ, तो उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी लाइक अ मदर, लाइक अ मदर इज यू नो क्रिएटिव, सो वेन एवर यू क्रिएट समथिंग यू फील एज इफ यू आर। और मैं तो उसको सॉलिट्यूड कहती हूँ, मैं तो उसको लोनलीनेस कहती नहीं हूँ। तो हो सकता है कि इस वजह से खुदा ने मुझे ये वक्त दिया कि मुझे मैं उसमें कुछ कर सकूँ, और ये भी हो सकता था कि मैं ना कर पाती, कुछ मुझे वक्त ना होता, क्योंकि ये भी वक्त निकालती हूँ मैं, और काफ़ी मुश्किल से निकालती हूँ, लेकिन ये इसकी वजह से मैं आई कैन डू मेनी थिंग्स, एंड जो मैं काम करती हूँ उसको भी ऑल रिन्यूड विगर वाइटलिटी के साथ कर सकती हूँ अपने मरीजों के साथ। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आए जब आप डिप्रेस्ड हुई और आप नहीं आए? क्यों नहीं आए, आते हैं, बट देन यू ओवरकम देम, यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू टर्न योर योर व्हाट शुड आई से ग्रीफ इनटू योर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ इट वीकनिंग यू और मेकिंग यू योर वीकनेस। तो यू हैव टू ओवरकम दैट, एंड इफ यू कैन ओवरकम दैट, दैट इज यू नो दैट्स व्हाट मेक्स यू अ ह्यूमन बीइंग। हस्ती तो सफीना है, दरिया ये जमाना है, तूफान हो तला तुम हो, उस पार तो जाना है। हस्ती तो सफीना है, दरिया ये जमाना है, आज रंग है ए माया रंग है री, आज रंग है।